हेलो एवरीवन, मैं मनीष तिवारी स्वागत करता हूँ आपका वेब डेवआईटी के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, लाइक वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, जो कि जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो यदि आप जावास्क्रिप्ट में नए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, सो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। लाइक ये एक कंटेनर की तरह होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम वार, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वार, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके तीन अलग अलग वेरिएबल को क्रिएट किया है। लाइक वार नेम इक्वल टू मनीष, लेट एज इक्वल टू 30 एंड कॉन्स्ट आई इक्वल टू 3.14। अब हम सबसे पहले वार, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड में अंतर को भी समझ लेते हैं, वैसे जिससे कि हमें बेटर समझ में आएगा कि हम किस समय पर कौन से वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वार फर्स्ट। ओके, लाइक यह एक ट्रेडिशनल वे है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ओके, और इसका स्कोप जो है वो फंक्शन स्कोप होता है। नाउ लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया वार नेम इक्वल टू से मनीष। ओके, एंड आई ट्राई टू डू कंसोल डॉट लॉग नेम, सो हमें आउटपुट में मनीष मिल रहा है। ओके, बट इफ आई वांट टू रीडिक्लेयर द वेरिएबल विथ वार, ओके लेट्स से वार नेम इक्वल टू से दिस टाइम वेब डेव वाई टी। ओके, नाउ यू कैन से वी कैन स्टिल डू इट। लाइक यदि हम जावास्क्रिप्ट में वार कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, देन हम सेम वेरिएबल को रिडिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लेट। ओके, यह ES6 में इंट्रोड्यूस किया हुआ एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। तो ब्लॉक स्कोप मीन्स, लेट्स से यदि मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया है और इनसाइड इस ब्लॉक मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से वार नॉट नेम, लेट्स से लेट एज इक्वल टू 21। ओके, एंड इफ आई ट्राई टू डू कंसोल डॉट लॉग एज, कैन से हमें आउटपुट में 21 मिल रहा है। बट इफ आई वांट टू डू दिस कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, ओके लेट्स से हम इस ब्लॉक के बाहर हम एज वेरिएबल को एक्सेस करने का कोशिश करें, देन इन इस केस हमें आउटपुट में एज इज नॉट डिफाइंड मिल रहा है। दैट मीन्स हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं जिस ब्लॉक में हमने उसे क्रिएट किया है। ओके, एंड वन मोर थिंग, लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को हम लाइक उसके वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एज फ्रॉम 21 टू लेट्स से 12। ओके, सो नाउ यू कैन सी लेट्स कंसोल मूव द कंसोल इनसाइड दिस ब्लॉक। हाँ, यू कैन सी हमें आउटपुट में 12 मिल रहा है। दैट मीन्स हम जैसे लेट के साथ क्रिएट किए हुए वेरिएबल को हम उसके वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बट हम सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। यदि हम रीडिक्लेयर करने का प्रयास करें तो हमें एक एरर मिलता है, दैट मीन्स और जिसमें हमें मिलता है मैसेज मिलता है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, दैट मीन्स हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, एंड ऑल्सो लेट्स सी द वन मोर डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट। जैसे वार कीवर्ड को हम ब्लॉक के आउटसाइड भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इफ आई कट दिस कोड, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया है और हम ब्लॉक के अंदर एक वार वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, देन यू कैन से हम ब्लॉक के बाहर भी उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट यह एक ES6 में इंट्रोड्यूस किया हुआ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। दैट मीन्स हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए हुए वैल्यू को ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल के वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। लेट्स से यदि हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया लेट्स से 3.14, एंड अगेन इफ आई ट्राई टू अपडेट दिस वैल्यू लेट्स से 5 इक्वल टू 1.23, सो इफ आई ट्राई टू डू, ओके इफ आई ट्राई टू अपडेट इट,
एंड देन यू कैन से हमें एक आउटपुट में एरर मिलता है, जैसे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। दैट मीन्स हम कांस्टेंट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते हैं, या कांस्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया हुए वैल्यू को, उसके वैल्यू को हम ना तो रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही हम सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ओके तो आशा करता हूँ आपको वार, लेट और कांस्ट कीवर्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। लाइक जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, जिसको कि हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके दे आर प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपको स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल मिलते हैं। ओके लेट्स से स्ट्रिंग फर्स्ट। सो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के साथ डिफाइन करते हैं, और ये एक टेक्सुअल डाटा होते हैं को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बुलियन या ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अनडिफाइंड लाइक यदि हम किसी जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल को क्रिएट किया है बट उसके वैल्यू को अभी डिफाइन नहीं किया गया है या असाइन नहीं किया गया है, देन इन दैट केस उस वेरिएबल का जो टाइप होता है वो अनडिफाइंड होता है। एंड नल लाइक नल रिप्रेजेंट करता है इन इंटेंशनल ऑफसेट्स अपने वैल्यू। दैट मीन्स यदि कोई वैल्यू का जो टाइप है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, देन इन केस हम उसके वैल्यू को नल असाइन कर सकते हैं। ओके नाउ लेट्स सी अबाउट प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जल्दी आपको ऑब्जेक्ट और एरे मिलते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट यह एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का। ओके और ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रैकेट्स एंड की वैल्यू पेयर के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एरे। ओके यह एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। ओके और एरे को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके देयर इज इफ यू किसी इंटरव्यू में यदि हमसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके सो हम उस समय पर आंसर कर सकते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को जैसे जो उसका वैल्यू होता है मेमोरी, उसके एक्चुअल वैल्यू स्टोर होता है। ओके और इसको हम रेफर भी कर सकते हैं जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, और यह एक यू कैन से इनम्यूटेबल डाटा टाइप्स होता है, जैसे इसका वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके वेयर इज द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, उसको हम पास बाय रेफरेंस के भी से भी समझ सकते हैं। एंड पास बाय रेफरेंस मीन्स नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जैसे इसके जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेमोरी में स्टोर ना होकर उसके लोकेशन को वो मेमोरी में स्टोर होता है, और यू कैन से द रेफरेंस। ओके एंड दीज आर द म्यूटेबल डाटा टाइप्स ऑल्सो। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर भी दिए गए होते हैं। ओके लाइक दे आर मल्टीपल ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके नाउ लेट्स अंडरस्टूड इट वन बाय वन। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक यह अरिथमेटिक एज नेम सजेस्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे इफ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन वी कैन यूज प्लस सिंबल, सबट्रैक्शन के लिए ओके डैश हाइपर का यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। लाइक फॉर परफॉर्मिंग द ऑटोमेटिक ऑपरेशन वी कैन यूज द ऑटोमेटिक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। यू कैन रीड इट ऑल हियर। ओके नाउ नेक्स्ट वन वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके सो जावास्क्रिप्ट में सी वेरिएबल को के वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक इक्वल टू। ओके इज ऑल्सो नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके लाइक इफ यू ऑलरेडी नो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को के वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं, दैट मीन्स यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ओके नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। सो जावास्क्रिप्ट में लेट्स से डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, इसको हम कंपैरिजन असाइनमेंट के रूप में जानते हैं। लाइक यह दो वैल्यू को कंपेयर करता है और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, यदि हमें चेक करना है कि दो वैल्यू ये दोनों वैल्यू इक्वल टू है या नहीं, देन इन दैट केस वी कैन यूज डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू टू चेक द कंपैरिजन। ओके आपको कंपेयर द वैल्यू।
ओके एंड आल्सो इफ यू वांट टू चेक, हमारे पास दो नंबर वेरिएबल है एंड वी वांट टू चेक के दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, देन वी कैन यूज ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर। ओके यहाँ पर मैं डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में हमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, सिंस दोनों ऑपरेटर का यूज हमें वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, लाइक उसके इक्वल टू को इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके नाउ लेट्स सी, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डबल इक्वल टू, जिसे कि हम लूज इक्वालिटी के नाम से भी चेक करते हैं, जानते हैं। ओके तो व्हाट डज इट डू, यह बेसिकली दो वेरिएबल को के वैल्यू को कंपेयर करता है, यदि दोनों वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है दैट इन दिस केस इट विल रिटर्न ट्रू, यदि इक्वल नहीं है देन इन दैट केस इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके नाउ लेट्स से यदि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट्स से नेम ए इक्वल टू 5 एंड देन लेट बी इक्वल टू लेट्स से 5, बट इस समय हमने 5 को एज ए स्ट्रिंग क्रिएट किया है। ओके सो यदि मैं कंसोल डॉट लॉग लेट्स से ए डबल इक्वल टू बी करता हूँ, देन इन दिस केस यू कैन से हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा है, दैट मीन्स डबल इक्वल टू क्या करता है या लूज इक्वल टू को चेक करता है, ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, यदि दोनों ऑपरेटर का वैल्यू इक्वल टू है देन इन दिस केस इट विल रिटर्न ट्रू, बट दिस थिंग इज नॉट रिलेटेड विथ ट्रिपल इक्वल टू ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ओके लाइक यह वैल्यू को तो कंपेयर करता है बट साथ ही साथ यह उसके टाइप को भी कंपेयर करता है, वेरिएबल के टाइप को। सो दिस टाइम इफ आई डू कंसोल कंसोल डॉट लॉग ओके ए ट्रिपल इक्वल टू बी, ओके सो यहाँ पर देख सकते हैं हमें आउटपुट में ट्रू ना मिलकर फॉल्स मिल रहा है। ओके सो व्हाट डज ट्रिपल इक्वल टू डू, कंपेयर द वैल्यू एज वेल एज द टाइप। ओके सो यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू 5 है और इसका टाइप जो है वो नंबर है, बट बी का वैल्यू तो टाइप 5 है बट उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो लेट्स से वैल्यू इक्वल टू है बट टाइप इक्वल टू नहीं है, सो इन दिस केस इट रिटर्न द फॉल्स। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेटर, वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर लाइक इट्स यूज टू कंबाइंड मल्टीपल कंडीशन, तो यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन आप कोई लॉजिकल निर्णय लेना चाहते हैं देन इन दिस केस यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जावास्क्रिप्ट में एंड एंड और नेगेशन ऑपरेटर का यूज लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में किया जाता है, लाइक दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। ओके सो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो कंडीशन है, दो या तीन कंडीशन है। ओके और हमें यह इस तरह लॉजिकल फैसला लेना है कि यदि हमारे सभी कंडीशन ट्रू है देन उस केस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यदि इनमें से कोई भी कंडीशन फेल है देन इन दिस केस हमें कोई दूसरा कंडीशन परफॉर्म करना है। ओके तो हाउ वी नो लाइक कि हमारे तीनों कंडीशन ट्रू है या कोई भी कंडीशन फॉल्स है। ओके सो हाउ कैन वी नो, ओके सो लेट्स से ओके लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एंड ऑपरेटर। ओके तो यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे लेट ए इक्वल टू ओके इसका आउटपुट लेट से ट्रू, ओके देन बी इक्वल टू लेट से ट्रू, ओके एंड लेट से सी इक्वल टू लेट से दिस टाइम इसका जो वैल्यू है वो फॉल्स है। ओके सो जावास्क्रिप्ट में यदि हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ओके सो व्हाट डज इट डू लेट सी फर्स्ट, सो कंसोल डॉट लॉग इफ आई डू ए एंड एंड बी एंड सी, ओके सो हियर यू कैन से हमें आउटपुट में फॉल्स मिल रहा है, सो व्हाट डज एंड ऑपरेटर डू, लाइक इट्स अ चेक कि जो हमारे पास जो सभी कंडीशन है वो सभी कंडीशन यदि ट्रू है देन इन दिस केस इट विल रिटर्न ट्रू, यदि उनमें से कोई भी एक भी कंडीशन यदि फॉल्स होता है देन एंड ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। ओके सो यदि हमारे तीनों कंडीशन ट्रू होते हैं देन इन दिस केस एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू, यदि इनमें तीनों से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है देन इन दैट केस इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके नाउ लेट्स सी अबाउट और ऑपरेटर। ओके सो नाउ लेट्स से डिफाइन
और नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी इक्वल टू ट्रू, लेट्स से ई इक्वल टू ट्रू। ओके नाउ इफ आई डू कंसोल डॉट लॉग डी और ई, ओके सो यहाँ पर देखते हैं मुझे आउटपुट में ट्रू मिल रहा है। सो व्हाट डज आर ऑपरेटर डू? सो आर ऑपरेटर में यदि हमारे दोनों कंडीशन जो उनका जो वैल्यू है, यदि दोनों में से कोई भी एक यदि ट्रू है देन इन दिस केस आर ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है। यदि दोनों ही फॉल्स हैं देन ओनली इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके लेट्स से यदि हमारा डी का जो वैल्यू वो फॉल्स है, ओके देन इफ आई डू कंसोल डॉट लॉग डी और ई, देन इन दिस केस हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है। बट यदि दोनों का वैल्यू ही फॉल्स है, ओके देन इन दिस केस हमें और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द एंड ऑपरेटर एंड द और ऑपरेटर। ओके एंड द निगेशन ऑपरेटर लाइक इट्स प्रेटी सिंपल, इट्स जस्ट रिवर्स द बुलियन वैल्यू। सो यदि हमारे पास एक वैल्यू बुलियन वैल्यू है और हम उसके वैल्यू को रिवर्स करना चाहते हैं देन वी कैन यूज द निगेशन ऑपरेटर, ओके व्हिच इज रिप्रेजेंट एस और एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके सो दैट्स इट गाइस, आज के इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में सीखा। ओके सो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ओके और आपने कुछ नया सीखा होगा। पर यदि आपको कोई क्वेरी है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए, सो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। ओके एंड ऑल्सो यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज मेक श्योर टू लाइक, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। ओके वी विल मीट यू सोन इन द नेक्स्ट वन गाइस, टिल देन हैप्पी कोडिंग।